ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ का माल अगर मैं एक छोटा आदमी होकर अपने क्लाइंटों को खरीदवा दिया, बहुत बड़ा स्कैम है ये। तो उसको ये पता ही नहीं कि सोर्स ही नहीं पता है कि कहां से सप्लायर मिलेगा मुझे। आजकल ऑनलाइन वो कोई कई साइट आए हुए हैं, उन पे चले जाते हैं और वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं स्केल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और आज मैं आ गया हूँ एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को मिलवाने के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में पिछले 16 साल से है। एज अ CHA उन्होंने स्टार्ट किया था और अब पूरे इंडिया में जो कस्टम ऑक्शन का काम है वो सिर्फ यही करते हैं। कस्टम ऑक्शन के नाम से आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद है धीरज सर, और धीरज सर के साथ हम जानेंगे किस तरीके से अगर किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, इम्पोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, एडवांस स्टेप्स क्या होते हैं, कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आप लोगों को जो नॉलेज मिलने वाली है वो किसी और ट्रेनर के वीडियो में नहीं मिलेगी, इसकी मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में अपना बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे बारे में अपने चैनल पर डालने की सोची। तो देखिए, मेरा नाम धीरज पांडे है और जैसे आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ एक यंगस्टर, एक युवा किस तरह बिजनेस करे और किस तरह इंटरनेशनल बिजनेस में आए, तो अपने देश में क्या है, नॉलेज का बहुत बड़ा अभाव होता है। तो हम भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक आपके तरह एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से। और पिछले अप्रॉक्स 14 से 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं भी इसी में हूँ। मैं भी जॉब किया, काफ़ी साल मैंने जॉब किया है एक कस्टम हाउस एजेंट के अंदर में। उसके बाद मैंने फिर अपना काम स्टार्ट किया, मैंने बहुत बड़े बड़े कंपनियों के काम किए, जैसे कि जिंदल है, जिंदल का हमने कभी 400-500 कंटेनर पर मंथ हैंडल किया हुआ है। जिंदल स्क्रैप बेसिकली इंपोर्ट करती है इंडिया में, तो रेट में तो स्टील वगैरह में भी, हाँ स्टील और श्रेडेड स्क्रैप, MS स्क्रैप बहुत सारा जिंदल इंपोर्ट करती थी, अब नहीं करते, पहले करता था। 2007 से लेके 11 तक हमने बहुत काम किया है जिंदल के साथ। उसके बाद हमने काम किया है वेदांता ग्रुप का, आपने नाम सुना होगा, जो जिंक मैन्युफैक्चरर है, उनका एक्सपोर्ट किया हुआ हमने 300 से 400 कंटेनर, जो कि 2009 से लेके 10 तक हमने ये काम किया है। उसके बाद हमने बहुत सारे राइस के कंटेनर हैंडल किए हैं, बहुत सारे मीट के कंटेनर हैंडल किए हुए हैं, बहुत सारे यांस के कंटेनर, आपका वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट में आपने कर रखा हो। और जैसा कि अभी आपको पता है कि अपने देश में इतने ज्यादा ऑक्शन चल रहे हैं, ये किसका प्रोडक्ट है, हमारे और आपके जैसे युवा का है, जिनको कहीं ना कहीं नॉलेज में प्रॉब्लम है। जी जी सर, मैं एक मिनट रुकना चाहूंगा। देखिए इनका क्या है ना कि इनका एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चैनल है ही, जैसे कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बना रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो और भी देखे होंगे 2-4 यूट्यूब पे, लोग जो ट्रेनर बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो आज की डेट में वीडियोस बना रहे हैं वो सारे ट्रेनर्स हैं एक तरह से। अब उनके पास कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है तो मुझे नहीं पता, उसमें से 1-2 चैनल छोड़ के मुझे तो बाकी सारा थोड़ा ऐसे लगता है, मतलब बहुत जेनरिक सा, ऐसा कुछ बहुत ठोस नॉलेज वो लोग देते नहीं है कुछ, कभी नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर। एक चैनल है मेरे को जो अच्छा लगता है, उनका नाम मैं बताऊं, परेश सोलंकी करके हैं, वो थोड़ा अच्छा नॉलेज देते हैं, उनके अलावा तो बाकी सारा गैस छोड़ते हैं और कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल आपने सही बोला, उनका मेरे पास भी रिकमेंडेशन आता है, काफी मेरे से भी जुड़े हुए हैं वो और हमारी बातचीत होती है और मैंने उनका उनके काम का सराहना भी किया है। बाकी और भी बहुत सारे चैनल हैं जिनके कंप्लेन आते हैं सिर्फ। मैं कहते रहा हूँ सर, एक चैनल मैं अभी पीछे देख रहा था, वो ये लाजपत्र है मार्केट में, पिछले 4 दिन से घूम रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे थे वहाँ पे, बट छोड़िए वो तो उनका है, वो खुद देखेंगे, वो बात नहीं है। जो अच्छा कर रहे हैं परेश जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, टू द पॉइंट नॉलेज देते हैं और बिल्कुल बढ़िया नॉलेज देते हैं बिल्कुल। और उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा जो थोड़ा सा टेक्निकल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरज सर है, इनका खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चैनल है, साथ ही साथ जो कस्टम ऑक्शन का, वो आज के टाइम पे पूरे इंडिया में अगर कोई कस्टम ऑक्शन कर रहा है इस टाइम पे तो सिर्फ वो धीरज सर है। तो ऑक्शन के रिलेटेड मुझे पता है कि मेरे चैनल पे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मैं इस टाइम पे ऑक्शन के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा, तो वो मेरी भी मजबूरी है, टाइम का इशू भी है, प्लस कंपनी से भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। तो आप धीरज सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं, अगर ऑक्शन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आपको धीरज सर के चैनल से मिलने वाली है। तो सर इसके अलावा और मेरे को क्या लगता है ना कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एक तो ये वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जी, तो इसके ऊपर वीडियोस बनाना, इसको थोड़ा एक मेरी क्या कोशिश रहती है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में वीडियोस को बनाऊं ताकि लोगों को पल्ले अच्छा पड़े। जी जी बिल्कुल, मैं आऊंगा नोटिफिकेशन पढ़ के चला जाऊंगा तो एक तो लोगों को वैसे समझ में नहीं आएगा। नहीं देखिए, अगर वही काम आपको करना है ना, तो गवर्नमेंट उसको पब्लिक करती है, हाँ, वही उससे है। कितने लोग समझ पाते हैं, मैं
एज अ एक मतलब मैंने कस्टम ब्रोकर का भी अभी तक भी काम कर ही रहा हूँ और किया हुआ है, अब मैंने बंद कर दिया है, तो मैंने देखा हुआ है कि ज़्यादातर कस्टम ब्रोकर्स को भी नोटिफिकेशन उतने ढंग से समझ नहीं आता है क्योंकि वो टेक्निकली वो होते हैं लैंग्वेज. तो उसके लिए क्या है कि अगर आप बहुत अच्छा ये सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं कि हाँ उसको उस अंदाज से समझाया जाए ताकि पब्लिक उसको समझे, उसके बारे में वो जाने. आप समझ रहे हैं चीज़ों को कि देखिए हमारी जो जनता है, जो अगर जो नॉर्मल अगर हम लोग कहते हैं जो नॉर्मल एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, उनको टेक्निकली नॉलेज के बारे में नहीं या वर्ड्स के बारे में नहीं पता है. बिल्कुल, बिल्कुल. आप समझिए जो अगर कस्टम एक्ट की हम बात करें तो अगर किसी को हिंदी में, मेरे पास हिंदी में कस्टम एक्ट है, जब मैं एग्जाम दे रहा था एज ए जी कार्ड होल्डर तो मेरे साथ इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या किया हिंदी का बुक चूज किया, बड़े मुश्किल से अभी भी मेरे पास संभाल के रखा हुआ है. और मैं कहूँ कि यदि अगर अपने यंगस्टर को वो दिया जाए कि हिंदी में आप इसको पढ़ो, तो मैं कह रहा हूं वो इंग्लिश में ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, हिंदी में नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जो वर्ड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं कर पाते हैं लोग और नहीं उस चीज को समझ पाते हैं. तो बेटर है कि हम उसको समझ के जहां इंग्लिश की जरूरत है इंग्लिश में, जहां हिंदी की जरूरत है हिंदी में हम उसको समझाएं, जैसा कि आप कर रहे हैं वो अच्छी चीजें हैं. और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो आम आदमी है उसको बेसिक नॉलेज हम लोग दे पाए ताकि वो एक काम को कर सके. अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको नॉलेज नहीं है. आप मान लीजिए, आपको पता है एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इस कोविड के चक्कर में ना लोग सस्ते के चक्कर में एडवांस भेज दिया विदेश में और माल ही नहीं आया. तो ये क्या था, ये कहीं ना कहीं लोगों को उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं थी. अब देखिए, अब एक हमारे युवा जो है अपने देश का युवा कहां से वो सर्च करे कि प्रोडक्ट जो आ रहा है वो उसको मिले, या वो कहां से मतलब किसको अप्रोच करे. अगर एक इंपोर्टर है, मान लीजिए कि एक इंपोर्टर है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको ये पता ही नहीं कि सोर्स ही नहीं पता है कि कहां से सप्लायर मिलेगा मुझे. आजकल ऑनलाइन वो कोई कई साइट आए हुए हैं, उन पे चले जाते हैं और वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं. मैं कह रहा, अगर मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इस सप्लायर से माल लीजिए, तो उससे भी आपको लेने की जरूरत नहीं है. हो सकता है मेरा कोई हित छुपा हो, आप समझिए दीपांकर जी, हो सकता है मेरा कोई हित छुपा हो और जो विदेश में बैठा हुआ है वो मेरा आदमी हो और आपको सस्ता प्रोडक्ट देके आपको चीट करे. इसके फेर में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने वाले हैं बहुत सारे चैनल वाले ऐसा ही करते हैं. आपको मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे कई लोगों को ठगा गया है. सर एक आधा एग्जांपल दो ना आपकी, किस तरीके से. मैं बिल्कुल दे रहा हूं. वो एक एडवोकेट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज देते हैं, उनका यूट्यूब पे चैनल है. वो क्या करते हैं, 25 लोगों का ट्रेनिंग एक बार में देंगे, आपसे 10,000 15,000 लेंगे और 25 लोगों को पूरे देश से कहीं से जहां से जो फॉर्म भरते हैं बुला लेते हैं. उसका एक आदमी क्या करेगा, आपको आपके साथ अटैच हो जाएगा जो उस मास्टर के साथ खास आदमी. हाँ हाँ हाँ. बहुत बड़ा स्कैम है ये. अच्छा. अब वो खास हो गया, ठीक है. अब आपको वो ना, वो आप जान रहे हो को जो तीसरा पर्सन आपके साथ अटैच है वो सर के साथ क्लोज है, ठीक. अच्छा. है, तो सर तो आपसे मतलब बात करेगा, स्टूडेंट आपके ग्रुप में रहेगा. ग्रुप में रहेगा. अच्छा. और वो आपसे जुड़ जाएगा और आपको बोलेगा यार ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है. और आपको लगेगा कैसे भाई, प्रूफ दो कोई. तो विदेश का ही उनका जो आदमी बैठा रहेगा वो अपने नंबर से, विदेशी नंबर से, आजकल ऑनलाइन नंबर मिल जाता है, वो आपको बोलेंगे कि जी अब ये ब्लैक पेपर है. अब ब्लैक पेपर से आप कहोगे कि भाई ब्लैक पेपर तो इंडिया में 500 रुपए किलो बिक रहा है, वो आपको जो रेट देगा 300 रुपए 250 रुपए किलो देगा. रूल से आपको मतलब नहीं क्योंकि वो आपको बताएगा ही नहीं, ठीक है. तो अब आप देखोगे कि ठीक है भैया 250-200 रुपए भी देने को, आप अगर निगोशिएट करोगे तो 200 रुपए भी देने को तैयार हो जाएगा, जबकि ऐसा रेट कहीं भी नहीं है. अब आप ये सोचोगे कि वो बंदा जो जो सर का एक आदमी है वो आपसे बोलेगा कि सर सर को साइड करते हैं और हम लोग कर लेते हैं. अब आप तो सर से भी साइड हो गए हवा में आके, और आप उस बंदे पे पैसे, हालांकि वो बंदा उन्हीं का है, वो डायरेक्ट फ्रॉड आपके साथ नहीं कर सकते. तो वो क्या करेंगे, विदेश वाले नंबर से आपको ऑफर दिलवाएंगे जो महंगा है, और आपको ऑफर ये भी ऑफर देंगे कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो और सस्ता कर देंगे, आपको 100 रुपए में काली मिर्च बेचने को तैयार हो जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है. अब मान लीजिए कि आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया विदेश, उसके बाद कोई आपका फोन नहीं उठाने वाला है, आप सर को भी कंप्लेन नहीं करोगे, सर को कंप्लेन करोगे तो बोलेंगे कि भैया इस काम को देखने के लिए आप पहले 10,000 ट्रांसफर करो, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे. जाहिर सी बात है, अब 10,000 ले लेगा, उसके बाद भी कहेगा कुछ नहीं होना. ऐसा हमारे लोगों के साथ, मैं बिहार से हूं,
और वो कलकत्ता में क्लास देते हैं, जिसके कारण कई बिहारी इस चक्कर में फंसे और वो मेरे पास आए कि सर कुछ करो। मैं बोला कि देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुले में किसी का नाम भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं। मैंने कस्टोडियन के खिलाफ वीडियो बनाया, कस्टोडियन ने केस डाल दिया। क्योंकि सर ये केसेस के ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग, केस का रिलेवेंस क्या है कि ये जो अभी कस्टम ऑक्शन का वीडियो बना रहे हैं, आपने मेरे भी एक आधे वीडियो देखे होंगे पीछे, ये पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाता। अब क्या है कि जो ऑक्शन देखने के लिए मेरे को खुद मिले, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें लोग मिले हैं कि पहले यहाँ 25 लोग आते थे, आज के डेट में 250-400 लोग आ रहे हैं जी। तो किस तरीके से बिजनेस को हम लोगों ने डिसरप्ट किया YouTube के माध्यम से, ये देखने वाली बात है। तो उसके चक्कर में जो पुराने मगरमच्छ बैठे थे उनकी उनका खाना खत्म हो चुका है जी जी जी। तो उसके चक्कर में काफी सारे आपके वीडियो से ही, मैं जो सबसे पहला ऑक्शन का वीडियो आपने ही डाला हुआ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे काम किया था, देखने के लिए गया था, सैंपल एक्सट्रैक्ट करना था, वो सारा करना था, तो मैं सोचा बना देते हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो आप ही का है ऑक्शन पे, ठीक है। मैंने आपका वीडियो देखा नहीं था, लेकिन जब मैं ऑक्शन के बारे में, काफी लोगों को दिक्कत होती है, हमारे क्लाइंट का माल, जब मैं CHA काम करता तो हमारे क्लाइंट का माल कूड़े के दान में बिक जाता था, और जब हम उसके बारे में क्वेरी करते थे तो हमें नहीं मिलता था, आप समझिए चीजों को। उसके बाद में इसमें आया और उसके बाद में पब्लिक को लेके आया। और दीपांकर जी मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि 100 करोड़ का माल अगर मैं एक छोटा आदमी होकर अपने क्लाइंटों को खरीदवा दिया, आप समझिए तो ये काम कितना बड़ा हो सकता है। अब ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा हकीकत है कि जो क्लाइंट हमारे बनते हैं वो पहले वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो माल खरीद लेते तो वो नहीं चाहते कि नए लोग इसमें आए, आप समझिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो देखिए मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब आप आए तो आपने उस कंपटीशन में अपना रास्ता बनाया, तो जो दूसरे आएंगे वो भी बनाएंगे। और मेरा एक ही पॉइंट होता है कि आप जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट में आप काम करते रहिए, कभी लॉस नहीं होगा, 100% प्रॉफिट बनेगा। अब मान लीजिए आपका क्लाइंट ही नहीं है, बस पैसे के दम पे आप सोच रहे हैं हम ये भी खरीद ले वो भी खरीद ले, तो ये लॉस का कारण आपका बन सकता है। और हम लोग तो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं ताकि लोगों से गलती ना हो। अब आप ये सोचिए कि जो डायरेक्ट कर रहे हैं काम, उनको कितनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। जो हमारे क्लाइंट है उनका डायरेक्ट हमारा नंबर होता है, वो तो हमें फोन करके बोलते हैं, समझते हैं चीजों को, और सोचिए जो नए हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आपको तो कोई गाइड करने वाला है, तो उस हिसाब से है जी। तो ऐसे ही है, तो ऐसे धीरे धीरे आप रास्ता बना सकते हैं, और धीरे धीरे देखिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि लोग जो नए हैं वो चीजों को समझे, या इंपोर्ट ही करना है। आखिर आप जो ऑक्शन में माल ले रहे हैं किसका है? दीपांकर जी आप एक चीज बताइए, सरकार ने तो पैसा भर के वो माल मंगाया नहीं है, सरकार तो बस बेच के मजे ले रही है, उसके पैसे उनके पास आ रहे हैं। तो ये हमारा एक ही मकसद है, आपका भी सर हमारा भी, कि जो लोग हैं, जो जो यंगस्टर हैं, उसके साथ चीट ना हो, उनको हम बस नॉर्मल एक चीज समझा दे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करने जा रहे हैं उससे पहले आपका क्या सावधानी है और क्या खर्चे हैं और क्या नॉर्म्स है, उस पे आप अपने आप को क्लियर कर लें। एक्सपोर्ट भी अगर करने जा रहे हैं तो क्या नॉर्म्स हैं, उसकी क्या जो 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 पैकिंग है या और भी जो बहुत सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पहले कर लेना चाहिए, ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। और नहीं तो क्या होगा कि वही होगा, अभी एक्सपोर्ट का भी माल अगर मान लीजिए किसी कारण बस फंस गया तो वो भी ऑक्शन में जाएगा, और जो इंपोर्ट में आ रहा है आज करोड़ों रुपए अरबों रुपए का माल पड़ा हुआ है, अगर हम पर डे वीडियो बनाएं तो एक दिन में